कैरेक्टर्स इन ऑल माई सन्स। इस स्लाइड में आप देखिए बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको नज़र आएंगे। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितने आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो सेंटर में है, जो केलर एंड केट केलर। जो केलर और केट केलर हस्बैंड वाइफ हैं, उनके दो बच्चे हैं बेटे। एक का नाम है क्रिस केलर और दूसरे का नाम है लैरी केलर। जो केलर का एक बिजनेस पार्टनर है, उसका नाम है स्टीव डीवर। देखिए राइट हैंड साइड में स्टीव डीवर का के दो बच्चे हैं, एक है एन डीवर बेटी और लड़के का नाम है जॉर्ज डीवर। ठीक है, यानी ये दो मेजर फैमिलीज हैं जिनके बीच का इंटरेक्शन है इस ड्रामा के अंदर। इसके अलावा जो केलर के दो पड़ोसी हैं, पहला पड़ोसी है फ्रैंक ल्यूबे और उसकी पत्नी लीडिया ल्यूबे, जो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का काम करती है। फ्रैंक ल्यूबे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में इंडल्ज करता है। इसके अलावा जो केलर के एक और पड़ोसी हैं, उसका नाम है जिम बेलिस और उसकी पत्नी है स्यू बेलिस। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी उनके पड़ोसी हैं। और एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है बर्ट, वो पड़ोस में ही रहता है और जो केलर से उसकी बहुत दोस्ती है। एक बार हम और अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि दो परिवार, डीवर परिवार और केलर परिवार बिजनेस पार्टनर्स हैं। जो केलर के दो पड़ोसी हैं और ये सारे लोग मिलके बहुत अच्छे से रहते हैं। अब कहानी इन सब के चारों तरफ घूमती है। उसके पहले एक बार इन कैरेक्टर्स को वापस डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपके माइंड में क्लियर रहे। जो केलर और उसकी पत्नी केट केलर, उनके दो बच्चे हैं क्रिस केलर और लैरी केलर। जो केलर का बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है स्टीव डीवर। स्टीव डीवर के दो बच्चे हैं, एक बेटी जिसका नाम है एन डीवर और बेटा जिसका नाम है जॉर्ज डीवर। इसके अलावा जो केलर के पड़ोसी हैं, उनका नाम है फ्रैंक ल्यूबे और उसकी पत्नी लीडिया ल्यूबे। दूसरे पड़ोसी हैं जिम बेलिस और उसकी पत्नी स्यू बेलिस। और इसके अलावा एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है बर्ट, जिसकी कि जो केलर से अच्छी पटती है।